चलो पिकाचू, उसके ऊपर भी थंडरबोल्ट यूज कर दो। अरे अबे लो अल्फा भाई, ये लो थंडर खाओ। अरे तुम्हें कुछ हो ही नहीं रहा भाई, फ्लेम को तो कुछ हो ही नहीं रहा। हा, तुम जो भी अटैक करोगे मैं उसे अब्सॉर्ब कर दूंगा। जय हो ग्रेट एनर्जी। ओए फ्लेम, पहली बात ग्रेटिना नहीं है तो ग्रेटिना होता। और तब अनबीटेबल भाई बोले, सभी अपने सारे के सारे पोकेमॉन्स को निकालो। सभी के सभी इस पे अटैक करके इसको खत्म कर दो। हैया रियोलू और अपन यूज करो। ज़ोरोएक्ट डार्क पल्स, पिकाचू वॉल टैकल। हा, पावर और अटैक करो। सैम तू यहाँ? हाँ, मुझे हिंदुस्तानी भाई ने भेजा। फिल्म के अंदर देखता हूँ कि इसके अंदर क्या चल रहा है। इनके बच्चे मुझे बाहर निकाल। नहीं निकालूंगा, मैं तेरी एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली है, अब तू मेरे कंट्रोल में है। एक बार मैं बाहर निकल जाऊं फिर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, देखा जाएगा। बता अंदर क्या चल रहा है। अंदर चड्डी और फ्रेम लड़ रहे हैं। मुझे पता है इनको बाहर कैसे निकाला जाए। एक बॉल है जिससे उनको बाहर निकाला जा सकता है। वो जंगल में बच जाती है, उसको कायूरम प्रोटेक्ट करता है। पर कायूरम मेरा दोस्त है तो मुझे आराम से दे देगा। तो जाओ उस बॉल को जल्दी से लेके आओ और चिड्डी को बचाओ। कायूरम भाई, कायूरम भाई, दोस्त बन के मुझे बॉल दे दो, वो वाली। जी आशीष ने ऑर्डर दिया है कि बॉल किसी को ऐसे ऐसे नहीं देना, चाहे वो दोस्त क्यों ना हो। तुम्हें मुझसे लड़ना होगा अगर तुम्हें बॉल चाहिए। ठीक है दोस्त। यूरम और सैम के बीच में बहुत घमासान युद्ध हुआ और लास्ट में सैम जीत गया। तो दोस्त ये नो बॉल। थैंक यू यार। ये देखो मैं बॉल लेके आ गया। सैम जल्दी से बॉल निकाल। आ ये बॉल मुझे क्या कर रहा है? बहुत दर्द हो रहा है। अरे नहीं, मैं अपने नॉर्मल रूप में आ गया, लता है चड्डी भी खत्म हो गया। हा। नहीं फ्लेम, ऐसा कुछ नहीं है। इधर देखो, जिंदगी में दो गलत चीजें मत करना, एक गलतफहमी मत पालना और दूसरी चड्डी की पावर अंडर एस्टिमेट नहीं करना। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ चड्डी।